दोस्तों थंबनेल पे आपने देखा पढ़ा व्हाई नॉट विंडोज 11, टाइटल पे आपने पढ़ा व्हाई नॉट विंडोज 11, यानी कि आपके सिस्टम में विंडोज 11 क्यों नहीं चलता, इसके पीछे क्या रीजन है, किस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। इसको चेक करने के लिए हम एक टूल यहाँ पे यूज लेंगे जिसका नाम भी है व्हाई नॉट विंडोज 11। जी हाँ दोस्तों, एक स्क्रिप्टेड टूल है जो आपके सिस्टम के हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन को चेक करेगा और जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि भाई आपके सिस्टम में विंडोज 11 चलेगा नहीं चलेगा, और जिस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक zip फाइल है यहाँ पे व्हाई नॉट विंडोज 11 की, जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, तो ये एक पोर्टेबल टूल मेरे को मिलता है, ठीक है, जो कि एक स्क्रिप्टेड टूल है। आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं व्हाई नॉट विंडोज 11, इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके इस टूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या हमें आउटपुट देता है ये। जब मैं इस टूल को रन करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, तो यहां पे जो भी आप बिल्ड यूज कर रहे हैं, मैं यहां पे लेटेस्ट बिल्ड यूज कर रहा हूं विंडोज 11 का, इसलिए मेरे पास यहां पे ऑलरेडी पॉपअप आ रहा है कि आप पहले से ही लेटेस्ट बिल्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं, आपके सिस्टम की जो भी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है उनको रीड करेगा और आपके पास सीधा सीधा आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। ये जो टूल है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, इजी टूल है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी आपको एक टाइम पे पीसी हेल्थ चेकर का एक टूल अवेलेबल करवाया था, लेकिन बाद में उसको वेबसाइट से हटा दिया, तो काफी सारे लोग परेशान है कि कैसे चेक करें। यहाँ पे ये टूल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट आपको ये टूल रन करना है, कोई इंस्टॉल वगैरह नहीं करना, आपको यहाँ पे हर चीज पता लग जाएगी, आर्किटेक्ट कौन सा है, बूट मेथड कौन सा है, सीपीयू कंपैबिलिटी, सीपीयू कोर काउंट, सीपीयू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट एक्स, डिस्क पार्टीशन टाइप, रैम इंस्टॉल्ड, सिक्योर बूट, स्टोरेज अवेलेबल, टीपीएम वर्जन। ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ये शो कर रहा है कि भाई मेरे पास ये स्पेसिफिकेशंस हैं और इसलिए मैं विंडोज 11 यूज कर सकता हूं, जो कि कर भी रहा हूं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज रेड कलर की होती है, दैट मीन कि आपको उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे वर्क करने की जरूरत है, आपको उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे सपोज आपके पास रैम यहाँ पे 2GB है, तो हो सकता है कि आपके पास ये रेड आ जाए, हो सकता है कि आपके पास आर्किटेक्चर जो है आपका सिस्टम का, आपके मदरबोर्ड का, वो 32-bit है, तो आपको यहाँ पे रेड कलर शो कर देगा। तो आपके पास जितने ज्यादा ग्रीन कलर होंगे आपकी संभावना उतनी ज्यादा रहेगी विंडोज 11 को यूज करने की। अगर आपके पास यहाँ पे रेड कलर है तो दैट मीन कि आपको वो पर्टिकुलर हार्डवेयर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे टीपीएम की बात करें तो टीपीएम में रेड तब तक रहेगा जब तक आप उसको बायोस सेटअप से अनेबल नहीं करेंगे। अगर आपके पास टीपीएम 2.0 है और वो बायोस सेटअप में डिसेबल है, तब भी वो यहां पे रेड शो करेगा, तो आपका बायोस सेटअप से अनेबल होना चाहिए टीपीएम वर्जन। तो ये सभी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कितना कितना आपके पास है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल रही है। इनफैक्ट कुल मिला के आपको सभी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ अगर आपको ये जानना है कि हाँ भाई ठीक है कि विंडोज 11 की भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या, ये तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास क्या है, और जो नहीं है वो यहाँ पे आपको रेड शो कर रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आप गूगल का सहारा लीजिए और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइए। इस पेज पे आप जाएंगे आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। प्रोसेसर कितना होना चाहिए आपके पास, रैम कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, सिस्टम फर्मवेयर कैसा होना चाहिए, टीपीएम कितना होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर आप विंडोज 11 बेस्ड लैपटॉप ही लें, तो यहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट पर कंप्लीट विंडोज 11 बेस्ड लैपटॉप की यहाँ पे लिस्ट डाल रखी है, जिसको डायरेक्ट Amazon, ऑफलाइन, Flipkart वगैरह से परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिए हैं, डायरेक्ट इन पे क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं परचेज करने के बारे में। तो अगर आप लैपटॉप ले ही रहे हैं तो फ्यूचर के हिसाब से लीजिए, अपग्रेडेड लैपटॉप लीजिए जिनमें आप विंडोज 11 रन कर सके। इनमें विंडोज 11 इंस्टॉल्ड नहीं आएगा, लेकिन ये विंडोज 11 के लिए सूटेबल है, इनकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो विंडोज 11 को फुलफिल करती है। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यूज कीजिएगा। गूगल पे अगर आप ये टूल सर्च करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे Why not Windows 11, जस्ट आप ये लिखेंगे आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं Why not Windows 11, इस पर जाके आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूल अवेलेबल है। तो जस्ट जैसा नाम वैसा काम, थंबनेल, टाइटल और टूल तीनों एक ही काम, ठीक है। Why not Windows 11, अब आपको पता चल जाएगा कि आप विंडोज 11 यूज कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करना है, आपको सारी जानकारी आपके पास है। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।